तुम्हारे भैया की नजर तुम पे रहती है। और क्या कहते तुम्हारे भैया की नजर तुम पे रहती है, बगैर बताए कहीं जा भी नहीं सकती हो। अनीता, तुम्हारे भैया की तो ऐसी की तैसी, मैं उससे साले से नहीं डरता हूँ। मैं तुम्हें इतनी दूर लेकर के चला जाऊंगा ना कि तुम्हारे भैया की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंच सकती है। इधर आना अनीता, प्यारी हमारा अमर रहेगा, याद करेगा ओ, आखिर अनीता को क्यों मारता है? राम जाधे मारता क्यों अनीता को तू बेशरम you
क्यों रामचंद्री अपने भाई के मान मर्यादा का नृत्य मिला लीजिए। क्यों ऐसा क्यों किया? हमने प्यार किया है, कोई चोरी नहीं किए भैया। मुन्नलाल ले जाओ इस शराबी को, हटाओ इसको, काल कोठरी के अंदर। अलीता कितना भी जुल्म हो जाए लेकिन प्यार करने वाले कभी मिटते नहीं, क्योंकि इस जहां में प्यार अमर था और रहेगा। हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले, दुनिया से न डरने वाले, यार जलने वालों को जलाए। मुझे जलाएगी हरे करण सिंह जी, मैं तो आता है इसी वक्त तुझे गोली मारता हूं। जा हमारे सारे रियासत में ऐलान कर रहा हूं। सारे रियासत में ऐलान कर दो, कल सुबह 10:10 पे गोकुल नाम लड़के की फांसी दी जाएगी। बिल्कुल मालिक, और जो कोई फांसी देखने का इच्छुक हो वो हमारे गेट हाउस के सामने आ सकता है। देख तेरे आंखों के सामने उस शरामजादे को हम कौन सी फांसी के फंदे पे झूला झुलाते हैं। अच्छा जो ज्यादा होशियारी करी से वो गड्ढे में गिरा, उनके नाक में माछ के बैठ गए। लेकिन आप लोगों के एक सूचना बताना चाहती हूँ, एक गोकुल नाम का लड़का ठाकुर साहब के गेस्ट हाउस के सामने घिनौनी हरकत में पकड़ा गया है। कल सुबह 10:10 पे उसकी फांसी दी जाएगी। ऐलान होता है भाई, ये कब से शुरू कर दिया? मांगब खा भैया, हम मांगब खा तो क्या दिखाई थी, ये कहे का ऐलान होता है? अरे आधार कार्ड बनवाए, हमार बना है आधार कार्ड भाई। और बेशरम कार्ड, बेशरम कार्ड कहे कहे थे? अरे वो का मोदी जी वो 500 रुपया की 1000 मिले तो का श्रम कार्ड के श्रम ईश्रम कार्ड, हम कही बेशरम कार्ड। ये सब बना हमार, ओ, बन गया है लौंडोक हमारे बना है लड़कों का लौंडवा के। अजय बुढ़ापी में जाओ कहूँ ठंडी के मौसम में आगी वागी बाज के तापत जाओ और यहाँ फालतू चक्कर में न पड़ो। ये काहे का ऐलान होता भैया? अरे ऐलान यह होता है कि गोकुल नाम का लड़का है,
तो वो ठाकुर साहब के हवेली में गेस्ट हाउस के सामने घिनौनी हरकत में पकड़ा गया है। उसको 10:10 पे ठाकुर साहब के गेस्ट हाउस के सामने उसकी फांसी होने वाली। बोले बिटवा सुने हो, गोकुल और कौन है? हमारा लड़का है भैया। अरे तुम्हारा है तो हम कहाँ करें? चला हम कहा, हम कहूँ तक पहुँचा जा। ये सब काम नहीं करी, तुम कहा तुम पे ले जाओ, हम को पिलवाओ साथ। तो ठीक है, हम चलो निकलो। आखिर हमने तुमसे प्यार करके कौन सा ऐसा बड़ा गुनाह किया है जो कि मुझे सजा मिली है? हार गया दिल फरियाद करके हम रो रहे। अरे अनीता, यहाँ तुम कैसे आई? भैया कल मेरे गोकुल की फांसी हो जाएगी। तो हम क्या करें? फांसी हो जाएगी तो मेरी कुछ मदद कर दे यार। तुम मुझसे मदद मांग रही हो? हाँ भैया। तुम कहना क्या चाहती हो? भैया आप यहाँ से थोड़ी देर के लिए चले जाए। ऐसा नहीं, मैं दो बातें कर लूँ। बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यह लौंडी का हमों का मरवाई का। चलिए ठीक है, पैर मत पड़ो। मैं भी प्यार का दर्द मैं समझता हूँ, प्यार का दर्द मैं समझता हूँ। हाँ भैया, तुमने भी तो प्यार किया है। यार क्यों आजी लगा रहे हो? हमने प्यार किया है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आप कम से कम, दुनिया रूठ गई है लेकिन तुम तो हम दोनों के दुश्मन मत बनो। चाहे हमका फेल के मनाइन बना दी। नहीं भैया, थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दो गोकुल। ठीक है, लेकिन ये लड़का भागने ना पाए। मैं वादा करती हूँ यही नहीं जाएंगे। प्यार का दर्द मैं समझता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ और बातें करके तुरंत यहाँ से।
सरिता, आखिर यहाँ तुम क्यों आई हो? जानती हो कि अगर से तुम्हारे भैया को मालूम हो गया तो हम दोनों को ला जाने क्या कर देंगे? इसके थाली भी तक होगी। तुम्हारी पाती अब तो गोकुल मोहब्बती बिगड़ जाएगी। अरे बगैर मैं नहीं रह सकता। तेरे दिल में अनीता मर से कह दिया कि इस जेल से भाग जाओ। लेकिन अनीता मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं चाहता। मेरी कसम है गोकुल, नहीं नहीं अनीता नहीं, ऐसी सौगंध मुझे मत दो, मैं तुम्हें छोड़ कर के
दिया है, अपने प्यार का वास्ता दिया है। मैं तुम्हें छोड़कर इतनी दूर चला जाऊंगा, इतनी दूर चला जाऊंगा, शायद मुड़कर तुम्हारी नजरों तक नहीं आऊंगा। अनीता, जब किसी का दिल टूटता है ना, धरती और आसमान धरा उठता है। अगर तुम जिंदा रहोगे तो कभी तो मुलाकात होगी। अनीता, मंदिर टूटे तो बन जाए, मस्जिद टूटे तो बन जाए, मोहब्बत बरात जो टूटे तो सारी उम्र जुड़ ना पाए। किसी का दिल तोड़ना, किसी का दिल तोड़ना, किसी का